इमरान भाई आप वीडियो बना क्यों दे रहे, जब 14 अगस्त गुजर जाएगी तब बनाओगे। यार सईद को कॉल की है, वो आ रहा है, वो आता है तो फिर बनाते हैं। वो आ गए सईद भाई। अरे किधर रह गया था यार, वेट कर रहे हैं, अंधेरा हो जाएगा फिर बनाओगे वीडियो। खैर जल्दी आओ, जल्दी करो। इमरान भाई आज आपका आइडिया नहीं चलेगा, आज मैं ऐसा आइडिया लाया हूँ, ऐसी वीडियो बनाएंगे सबकी नजरें हम पे होगी। 14 अगस्त के लिए ऐसी वीडियो बनाएंगे सबकी नजरें हम पे होगी। अरे वो कैसा आइडिया है? एक मिनट बस, मैं अभी आया। ऐसा क्या आइडिया आ गया इसके जहन में? पता नहीं यार ऐसा क्या आइडिया आ गया इसके जहन में, चलो देख लेते हैं। हाँ देखते हैं क्या करता है। आने दो। ये गाड़ी में से क्या निकाल रहा है? अरे ये तो इंडिया का झंडा लेकर आ रहा है। हम 14 अगस्त मना रहे हैं और ये 15 अगस्त का झंडा लेके आ रहा है। आ लेने दो। ये रहा इमरान भाई। अरे ये तो इंडियन झंडा है, हम तो 14 अगस्त के लिए बना रहे हैं, ये किस लिए ले आया तुम? अरे यही तो सीक्रेट है, लोगों का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए। अरे ऐसा क्या करोगे इस इंडियन झंडे के साथ? इमरान भाई हम पाकिस्तानी हैं और 14 अगस्त भी आ रहा है, इस इंडिया के झंडे को हम नीचे जमीन पे रखेंगे और पास से गुजरेंगे और किसी ऊंची जगह पे रखेंगे, रिस्पेक्ट के लिए, लाइक्स और फॉलोवर मिलेंगे और वीडियो वायरल हो जाएगी। बात तो सही है, वो है इंडियन, हम पाकिस्तानी, एक वक्त था हम एक साथ थे, हम किसी भी मुल्क के झंडे की तजलील नहीं कर सकते ऐसे जमीन पर फेंक कर, लेकिन लाइक फॉलोअर लेने के और भी बहुत से तरीके हैं, और भी बहुत से कॉन्सेप्ट बन सकते हैं। लेकिन इमरान भाई हमने कई दफा सोशल मीडिया पे देखा है, बार बार देखा है कि कई दफा वो हमारे झंडे की तजलील करते हैं। वो बात सही है, लेकिन इतने बड़े मुल्क में अगर दो चार लोग ऐसी हरकत करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि पूरा इंडिया ही गलत है। ये बात भी ठीक है। हाँ लेकिन एक काम आप कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी भाई साहब, किस लिए खड़े हैं आप इधर? जी मैं इधर बस का वेट कर रहा हूँ। हाँ बस का वेट कर रहे हैं, देखने में लग रहा है आप इंडिया से हैं। जी मैं इंडिया से हूँ। 15 अगस्त आ रही है तो मेरी तरफ से आपको एक छोटा सा गिफ्ट, आपको 15 अगस्त आजादी मुबारक हो, मोस्ट वेलकम।